दोस्तों 2016 सातोशी कानाजावा जो एक ब्रिटिश इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 15,000 लोगों पर एक स्टडी की जिसमें 15,000 लोगों के इंटेलिजेंस को जांचने के लिए उन्होंने उनके हैप्पीनेस लेवल को मेजर किया और फिर उसे उन लोगों के आईक्यू लेवल से रिलेट कर दिया। इस स्टडी के लिए कानाजावा ने दो अवसर चुने, एक जब इस स्टडी में पार्टिसिपेट करने वाले लोग दोस्तों के साथ थे और दूसरा जब वो अकेले थे। और रिजल्ट में पाया गया कि जो लोग सामान्य या फिर सामान्य से कम आईक्यू लेवल के थे वो लोग ज्यादा हैप्पी और ज्यादा सेटिस्फाइड तब रहते थे जब वे अपने दोस्तों के साथ होते थे, और जितने ज्यादा दोस्त उतना ही ज्यादा उन्हें खुशी मिलती थी। और इसके बिल्कुल विपरीत, जो लोग सामान्य से ज्यादा इंटेलिजेंट और हाई आईक्यू लेवल के थे वे ज्यादा हैप्पी और ज्यादा सेटिस्फाइड तब रहते थे जब वे अकेले होते थे। अब देखो, निकोला टेस्ला, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये सभी महान लोग अकेले समय बिताना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सभी महान लोग लोगों से कभी मिलते नहीं थे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन लोगों के बहुत से दोस्त होते हैं या जिन्हें सोशल होना काफी पसंद होता है वे लोग इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, सातोशी कानाजावा और दूसरी कई स्टडीज के दौरान इंटेलिजेंट लोगों के व्यवहार और उनके स्वभाव की स्टडी करने पर 7 ऐसे सॉलिड कारण सामने आते हैं जो स्मार्ट लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं और जिसके कारण उनकी लाइफ में ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते। तो दोस्तों, यदि आपको भी कम बोलना और अकेले रहना पसंद है और यदि आपकी लाइफ में दोस्तों की भी काफी कमी है तो आगे इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि ये 7 सॉलिड कारण आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच करते हैं तो हो सकता है आप भी एक हाईली स्मार्ट इंसान हो। दोस्तों, पहला कारण है, मेंटली इंटेलिजेंट लोग कुछ ही देर की बातचीत से झूठी फ्रेंडशिप का सोशल मुखौटा पहने दिखावटी और अच्छा बनने का केवल नाटक कर रहे लोगों के असली चेहरे को बड़ी ही जल्दी पहचान लेते हैं, और ऐसे फेक लोगों से दोस्ती करके केवल अपनी फ्रेंड लिस्ट लंबी करने में स्मार्ट लोगों को जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। और ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि सच्चे, सीरियस और ईमानदार लोग इस दुनिया में कम ही मिलते हैं, जिसकी वजह से स्मार्ट लोग दिखावटी लोगों के बीच रहने की बजाय अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, इन लोगों का आईक्यू लेवल सामान्य लोगों से काफी हाई होता है, और उसके अलावा इनके सपने, इनका विजन, इनके विचार और इनके अपने ही लक्ष्यों के साथ अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। ये हर मुद्दे पर काफी गहराई से सोचते समझते हुए, सिक्के के हर पहलू का ध्यान रखते हुए, हर संभावना पर गहराई से विचार करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी हर बात का बहुत ही गहरा मतलब होता है और जिसे समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होता है। और जब ज्यादातर लोग इन्हें और इनकी बातों की गहराई को समझ ही नहीं पाते तो इन्हें लोगों से बातचीत करना ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने इनकी एनर्जी छीन ली हो। इसीलिए ये लोगों से बातचीत में समय गंवाने की बजाय खुद के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरा, कानाजावा की स्टडी में ये बात भी सामने आई कि शहरों और घनी आबादी वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों की अपेक्षा गांव और कम घनी आबादी वाली जगहों पर रहने वाले लोगों में आपसी प्यार और अपनापन काफी अधिक होता है। वे लोग कम सुविधाओं के बावजूद काफी हैप्पी और काफी रिलैक्स्ड लाइफ जीते हैं, और ये बात स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग अच्छे से समझते हैं कि फ्रेंडशिप का सर्कल जितना बड़ा होगा दोस्ती की बॉन्डिंग उतनी ही कम बनेगी, और ये लोग क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में विश्वास रखते हैं। और जिम रोन का भी कहना है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप अपना ज्यादा वक्त बिताते हो। इसीलिए स्मार्ट लोग बहुत ही सोचने और समझने के बाद ही किसी को अपना दोस्त बनाते हैं। चौथा कारण, ये टेक्नोलॉजी और जमाने के साथ अपडेट होकर चलना पसंद करते हैं। अपने आसपास की चीजों को और परिस्थितियों को ये हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, लेकिन ये खुद कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। बिना मतलब की ट्रेंडिंग चीजें और सोशल गैदरिंग के दौरान बेतुकी बातों में बिना वजह शामिल होकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। टाइम पास, सोशल एक्टिविटीज, लोगों के साथ घूमना फिरना, दोस्तों के साथ फालतू की गपबाजी और गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन से ये बेवजह अपने दिमाग को भरना या भटकाना नहीं चाहते। इनके दिमाग में हमेशा
कुछ न कुछ क्रिएटिव थॉट्स चलते रहते हैं। ये अपने हर पल को किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में या फिर कुछ नया सीखने में या फिर खुद को बेहतर बनाने में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने दोस्तों की लिस्ट हमेशा काफी शॉर्ट रखते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत, और पांचवा कारण स्मार्ट लोगों की यही खासियत है कि वे वैसे ही लोगों की संगत करना पसंद करते हैं जैसे वे खुद हैं। क्रिएटिव, ओपन माइंड, स्मार्ट और बेझिझक सामने वाले के मुंह पर सच बोलने वाले, किसी को इम्प्रेस करने या किसी सोसाइटी और सोशल ग्रुप का केवल हिस्सा बनने के लिए लोगों की हाँ में हाँ मिलाना या किसी की झूठी तारीफ करना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ये अक्सर कम ही बोलते हैं, क्योंकि सच लोग सुनना नहीं चाहते और झूठ ये बोल नहीं सकते, और कम बोलने के कारण ही ये लोगों के लिए हमेशा एक रहस्य बने रहते हैं। स्मार्ट इंसान अक्सर अपनी जिंदगी में तभी किसी को आने देता है जब सामने वाले में भी इन्हीं के जैसी सोच और वैल्यूज हो, और ऐसी क्वालिटीज और वैल्यूज कम ही लोगों में पाई जाती हैं। छठा, ये अपने काम पर इतना फोकस रहते हैं कि फालतू की बातें सुनना और सोचने का इनके पास कभी समय ही नहीं होता। इन्हें जब जो करना है वो करना है, फिर लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों के लिए खुद को कभी नहीं बदलते, फिर लोग भले ही इन्हें स्वीकार करें या ना करें। स्मार्ट लोगों को ड्रामा और सीन क्रिएट करने वाले लोग नहीं, बल्कि समान विचारधारा वाले लोग ही पसंद आते हैं, जो मिलना आसान नहीं होता। सातवीं बात, स्मार्ट लोगों के लक्ष्य बड़े और विजन एकदम स्पष्ट होता है। उन्हें अपने लक्ष्य ऐसे लोगों के साथ शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता जिनका खुद का ही कोई लक्ष्य या कोई विजन ना हो, क्योंकि बिना विजन के लक्ष्यहीन लोगों की सोच सीमित होती है, और ऐसे लोगों को अपने लक्ष्यों के बारे में बताने से कभी कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ना तो वो समझेंगे और ना ही साथ देंगे, लेकिन छोटी मोटी असफलता में मजाक जरूर उड़ाएंगे। इसीलिए स्मार्ट लोग फालतू की दोस्ती यारी में समय बर्बाद करने की बजाय बिना शोर मचाए शांतिपूर्वक हर पल पूरी निष्ठा से केवल अपने लक्ष्यों पर फोकस रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ये सातों कारण स्मार्ट लोगों को दूसरों से काफी अलग बनाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इन्हें समझ ही नहीं पाते, लेकिन कुछ लोगों को इनका ये अंदाज काफी पसंद आता है और वे इनकी इसी क्वालिटी के कारण इनकी काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं और इनसे सजेशंस भी लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, ना कि वो जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। इमोशनली भी स्मार्ट लोग काफी स्टेबल होते हैं। ये दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रखने की बजाय खुद पर भरोसा करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों के दोस्त बहुत ही कम होते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो आप ही की तरह अकेले रहना और कम दोस्त बनाना पसंद करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, और कुछ नया सीखने के लिए हर रोज GVG मोटिवेशन पर आते रहिए। धन्यवाद।